बैक माय न्यू ब्लॉग, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो गाइस आज 14 अगस्त, तो हम हमारी सिटी में घूमने के लिए आए हुए हैं और सिटी को इतना खूबसूरत और इतना अच्छी तरीके से सजाया गया है, मैं आपको पूरी सिटी घूम के बताऊंगा। आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं इस मीनार को, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया है और काफ़ी अच्छी लाइटिंग दी गई है तिरंगे में, और इसके आस पास भी कुछ लाइटें हैं जो इधर उधर हो रही है, लहरा रही है तिरंगे में। तो चलते हैं थोड़ा और आगे। देखिए हम इसके पास आ चुके हैं और यहाँ पर पर्चे लगाए गए हैं तिरंगे के, तो इस मीनार को देखिए। काफ़ी रौनक है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी बच्चे आए हुए हैं जो कि काफ़ी खुश हैं और काफ़ी इस जगह का मज़ा उठा रहे हैं, काफ़ी लोग घूम रहे हैं, सबके अंदर खुशियाँ छाई हुई है। और कल 15 अगस्त है, कल तो गाइस क्या ही कहना, कल तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा घूमने का और देश की आज़ादी का, सब खुशी बना रहे हैं। तो चलते हैं भागे अगले पॉइंट पे। गाइस ये हमारी सिटी का मेन पॉइंट है, उसको सबसे खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, आप देख सकते हैं। गाइस आप देख सकते हैं इसको कितनी अच्छी तरीके से सजाया गया है, लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी दी गई है, हर तरफ से काफ़ी अच्छा सजाया गया है, देख सकते हैं आप। और काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, काफ़ी लोग आए हुए हैं जो कि वीडियो फोटो बना रहे, क्योंकि आज 14 अगस्त है और सुबह 15 अगस्त है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया है इसको। और आमिर भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है इस जगह का, वाकई में कमाल की जगह है ये। नाइट में तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, हम सोचते थे सुबह को आए पर नाइट में काफ़ी मज़ा आ रहा है। वही सुबह है 15 अगस्त और रात में ये जगह की खूबसूरत लग रही है, सुबह वाकई में कमाल की जगह लग रही है। तो ये सर्किल है, इसमें हमारे यहाँ के जो प्रिंस है का स्टेचू लगाया गया है, ये भी काफ़ी अच्छी लाइटिंग में सजाया गया है। तो चलते हैं इसके पास। ये देखिए हमारे प्रिंस का स्टेचू, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी लाइटिंग की गई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, और हर तरफ तिरंगे के लगाए गए हैं चारों ओर, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो चलते हैं और आगे, और आगे चलते हैं, और भी अच्छी अच्छी जगह, और भी काफ़ी अच्छी सिटी को सजाया गया है। ये फोर्ट के अंदर जाने का एंट्री पॉइंट गेट लगे हुए हैं, अंदर चलते हैं। इसके अंदर जाने पे आगे हमको फोर्ट देखने को मिलेगा, तो उस फोर्ट के पास चलते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया है, तो आगे ही चलते हैं। गाड़ी पे आगे जा रहे हैं, तो ये देखिए पूरी की पूरी रोड सजाई गई है जो कि फोर्ट की ओर जाती है। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारे बीकानेर फोर्ट के पास, जो कि इसका नाम है जूनागढ़, उसके पास आ चुके हैं। तो अभी इसका दरवाज़ा खुला है, अंदर से ये बंद है, पर इसे गाइस पता नहीं क्यों सजाया नहीं गया, सिर्फ लाइटिंग दी गई है। तो चलते हैं थोड़ा आगे, ये बहुत बड़ा फोर्ट है गाइस, बहुत बड़ा फोर्ट, इसका भी मैं व्लॉग बनाऊंगा अंदर का, आने वाला है बहुत जल्द, इसका भी व्लॉग आने वाला है अंदर का, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अंदर भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं पुरानी। तो चलते हैं आगे। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कैसा लगा आपको भी व्लॉग, अच्छा लगा तो गाइस लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बहुत जल्द आगे व्लॉग आने वाला है, तो उसका भी वेट करना गाइस। तो ये व्लॉग तो सुबह आ जाएगा यूट्यूब पर, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।